प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। एफिसियों के पत्र पहला अध्याय में पौलुस की प्रार्थना में पौलुस ने इस प्रकार कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की पहचान में ज्ञान की समझ की आत्मा हमको मिल जाए। इस पूरा हफ्ता हम यीशु मसीह को पहचानने के विषय में बात कर रहे थे। नथनेल पहली मुलाकात में यीशु मसीह को पहचान लिया था। शमरिया के लोग 2 दिन में यीशु मसीह को पहचान लिया था। मार्ता के घर में कई बार यीशु मसीह वचन प्रचार किया, मार्ता यीशु मसीह को पहचान लिया। पतरस यीशु मसीह का संग संग चला, यीशु मसीह को पहचान लिया। क्रूस पर मारते मारते यीशु मसीह को मारने का जिम्मेदारी मिला हुआ उस सुबेदार ने यीशु मसीह जब दम छोड़ा उस समय यीशु मसीह को पहचान लिया था। और तब से लेकर अभी भी हजारों लाखों लोग यीशु मसीह को पहचान लिया। यीशु मसीह कौन है? वो सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं है, वो सबका प्रभु है, वो सबका उद्धार करता है, वो जगत का उद्धार करता है, सारे मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए, हम सबको शैतान के बंधन से आजादी देने के लिए, नरक से बचाने के लिए और कोई मार्ग नहीं, आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार के लिए दिया हुआ और कोई नाम नहीं। जितने उसके ऊपर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, यीशु मसीह को दे दिया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन को पाएगा। यीशु ने बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है स्वर्ग जाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य का शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आकर क्रूस पर हमारे पापों को, श्रापों को, रोगों को, तिरस्कार को, मृत्यु को, सब कुछ को उठाकर, शैतान की सारे हत्या को नीचे रखवाकर क्रूस पर हमारे लिए जीवन देने वाला और मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन जी उठने वाला यीशु मसीह के अलावा, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जो हमारे पापों के लिए मर गया है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं और कोई मार्ग नहीं है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो खुद परमेश्वर है, उद्धार करता है, सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ को, सारे असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उस यीशु मसीह को पहचानना है, इसलिए पौलुस की प्रार्थना है परमेश्वर की पहचान इसको मिल जाए। और पत्रस ने लिखा, यीशु मसीह की पहचान में जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ हमको दे रखा है। प्रिय लोगों, हमें यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है, यीशु मसीह को जानना जरूरी है, अनुभव से मालूम करना जरूरी है कि हमारा उद्धार करता यीशु मसीह कौन है। उसको और जानने के लिए, और अनुभव करने के लिए, सही पहचान मिलने के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरा मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए और मैं यीशु मसीह को पहचानने पाऊं, परमेश्वर को समझने पाऊं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू, शालोम।